आज का रेसिपी है मेसुक पाक मिठाई। देखिए किस तरह बनते हैं, कैसे इसका पूरा प्रोसेस देखिए। मेसुक का मिठाई बनाने के सबसे पहले बेसन, ये जिसमें चीनी जी कटोरा लिया हो उस कटोरा से थोड़ा सा जितना चीनी है उससे थोड़ा कम है बेसन, इसी से नाप के लिए हैं बेसन। उसके बाद ऊपर भर के लिए हैं, और ये तेल है, तेल भी लेना है और घी भी लेना है। तेल घी जब तक, तेल घी अपना हिसाब से ही देना है। ये घी है, वो भी हम दिखाते हैं कितना लेना है तिल घी। और ये बेसन है और ये चीनी है। चलिए इसका बनाने का प्रोसेस, सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे, वो चीनी का कटोरा है उसमें वो चीनी डाल देंगे। इसी से नाप के बेसन है, इससे थोड़ा कम है बेसन। और वही कटोरा, आधा कटोरा ही पानी देना है, एक कटोरा चीनी आधा कटोरा पानी देना है। और चिपचिपा होने तक जो चाशनी बना लेना है, जब तक तो चिपचिपा होगा तब तक चाशनी बनाना है। हाथ में ये देखिए इतना घी डाले हैं, और वो तेल नहीं है, रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड वाला रिफाइंड ऑयल है। वो जितना घी है उतना ही रिफाइंड ऑयल डाल के उसको गर्म होने के लिए डाल दिए, एकदम गर्म होना चाहिए। ये देखिए इधर चाशनी बन रहा है, ये देखिए हाथ चिपचिप होने लगेगा, तब उसमें बेसन डाल देना है। इसको बारीकी से डालते जाना है, मिलाते जाना है, डालते जाना है, मिलाते जाना है। नहीं हुआ तो गैस को बंद कर देना, चूल्हा बंद कर दीजिए, अच्छा से मिलाइएगा। देखिए मिल गया पूरा। आप इसमें गरम वही तेल किए हुए हैं, गरम रिफाइंड ऑयल और क्या बोलते घी मिक्स है दोनों, वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए। जब तक इसमें पूरा जाली नहीं बने तब तक इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा, मिलाते जाइएगा, डालते जाइए, मिले अपने पूरा जाली बन जाएगा, पूरा एकदम जाली बन जाएगा। तब सोचिए ये हो चुका है, तब इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालिए, मिलाइए, थोड़ा डालिए मिलाइए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिलाइए। इसी तरह डालना है, मिलाना है। और एकदम वो चूल्हा पर तेल एकदम गर्म होना चाहिए, खुलता हुआ तेल डालिएगा तभी इसमें जाली बनेगा। मेसू का मिठाई में जाली ही सबसे मेन चीज़ होता है। देखें ना धीरे धीरे बन रहा, देखिए कितना अच्छा से पूरा पूरा एकदम जाली बन चुका है। देखिए थोड़ा सा तेल और हम डालेंगे, ये बन चुका है, अब इसमें तेल की ज़रूरत नहीं है। अब पहले ही जिसमें निकालना है उसमें थोड़ा सा घी लगा के, जिस प्लेट में जो निकालने के लिए इसको बनाने के लिए रखना, उसको पहले ही निकाल लगा लगा के रख लेना है। ये हो चुका है, देखिए कितना अच्छा जाली बना है, इसमें बन कर तुरंत तैयार हो जाता है, बनाने में मेहनत नहीं। देखिए हम प्लेट में पहले ही घी लगा के रख दिए थे, अब इसमें डाल देंगे, इसको अच्छा सेट कर देंगे हम, उसको छलनी से ठीक करके सेट कर देंगे। और इसको कद का निशान हम लगा देंगे, देख रहे उसको ठीक कर रहे हैं बढ़िया से, जो देखने में अच्छा लगे। देखिए इसे इसको हम थोड़ा सा कद का निशान लगा देंगे, और इसको आधा घंटा एक घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए कितना अच्छा जाली बना हुआ है, मेन चीज़ है जो जाली ही मेसुक पाक मिठाई में। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसका कद करके दिखाते हैं। देखिए कट करके दिखाएं कितना अच्छा जाली बना हुआ, कितना अच्छा मेसुक पाक मिठाई बनकर तैयार हुआ, बहुत टेस्ट लगे, जितना अच्छा देखने में, तो अच्छा खाने में। आप लोग भी जरूर बना खाइएगा, देखिए कितना अच्छा जाली बना हुआ। देखिए इसको कट करके इसको ये कर लिए, कितना अच्छा बना तैयार हुआ। आप लोग जरूर बना खाइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर बना खाइएगा। बनाने में तो आसान है, कुछ मीठा खाने में मन कर तुरंत बना लिए बेसन से। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मुँह मीठा कर लीजिए, ज़रूर बना खाइएगा।